एग चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पतीले में गर्म पानी कर लूँगी। जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल होने लगेगा, अब मैं उसमें तेल डालूँगी और साथ में नमक। अब मैं इसमें पतले वाले नूडल्स लिए हैं, मैं इसे पूरा खड़ा डाल दूँगी। यह अपने आप ही पानी में सॉफ्ट होता जाएगा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको एक उबाल आने तक पकाना है। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब हमें इसे एक और बार अच्छे से मिक्स करके देखिए एकदम अच्छे से पक गए हैं। ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे हमें छान लेना है। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, स्ट्रेनर में मैं पूरे चाउमीन डाल दूँगी और इसको ठंडे पानी से दो तीन बार धो लूँगी और इसको खुले में रख दूँगी कुछ देर के लिए। मैं इसके ऊपर तेल लगा देती हूँ ताकि ये खुले खुले रहे। इसे मिक्स कर देते हैं हम तेल को अच्छे से ताकि कोट हो जाए। इसे फैला दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी। तेल गरम हो जाएगा, अब मैं उसमें तीन अंडे डालूंगी। इस अंडों का हमें स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है। अंडे आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैं नमक डाल दूंगी और गैस की फ्लेम को लो रखना है ताकि ये सॉफ्ट रहे। अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। अब मैं कढ़ाई में दोबारा थोड़ा तेल डालूंगी। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्च ग्रेट कर लिया है, उसे डाल के इसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डालूंगी। इसे हमें तेज आंच में पकाना है। इसके बाद मैं स्लाइस किए हुए गाजर, सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। गाजर को भी हमें तेज आंच में ही फ्राई करना है। गाजर और प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी। कैप्सिकम डाल दिया है मैंने। अब इन तीनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब हम एक एक करके इसमें सॉस मिलाएंगे। सबसे पहले मैं ग्रीन चिली सॉस, उसके बाद रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप। ये सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स हो गए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें हाफ कप जितना बॉयल्ड राइस डालूंगी। आप बॉयल्ड राइस डाल के एक बार बना के देखिए, इससे स्वाद एकदम अलग आता है चाउमीन का और बहुत स्वादिष्ट लगता है। बॉयल्ड राइस सॉस के साथ थोड़ा मिक्स हो गए हैं। अब मैं जो बॉयल किए हुए चाउमीन है ये डालूंगी। अब इन सबको मैं मिक्स करूंगी। मैंने चाउमीन दो बार में डाला है, एक बार में मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि मिक्स करने में सुविधा हो। अब मैं जो फ्राई किए हुए जो स्कम्बल ड्रैग रखे हैं वो डाल दूंगी, साथ ही नमक। इन सबको अच्छे से टॉस करके हमें मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं,
खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप एक बार राइस और नूडल्स का कॉम्बिनेशन करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर डालने के बाद बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।